please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के भरतनगर इलाके में पुलिस की गाड़ी में बैठे तीन लोगों को वहां जुटी भीड़ पीटने लगी। आरोप है कि शराब के नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने एक स्कूल के सामने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने कार चला रहे व्यक्ति और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। लेकिन हादसे से भड़के लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और उसमें बैठे आरोपियों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, जिसमें नाकाम रहने पर कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ी के अंदर ही आरोपियों की पिटाई शुरू कर दी। कुछ देर की मशक्कत के बाद लोगों ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया और आरोपियों को बाहर खींचने की कोशिश की। इस दौरान एक पुलिस वाला लोगों को समझाने की कोशिश करता दिखा। भीड़ का गुस्सा शांत नहीं होता देख पुलिस वाले आरोपियों को गाड़ी में लेकर निकल गए। इस हंगामे के बीच स्कूल के पास हुए हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जो स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें एक सफेद रंग की कार एक बाइक को टक्कर मारने के बाद तेजी से पीछे की ओर जाती दिखी। इस दौरान वहां से गुजर रही एक और बाइक उस कार की चपेट में आ गई, जिसके बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की। कुछ लोग उसकी कार का पीछा करते भी दिखाई दिए। चश्मदीदों ने दावा किया कि सफेद रंग की कार में ड्राइवर के अलावा दो और लोग बैठे थे। आरोप है कि कार में बैठे तीनों लोग शराब के नशे में धुत थे। तीन लोग थे, वो नशे में ही थे सर, बियर थी उनके पास, गाड़ियों में बियर भी रखी थी। इस हादसे में तीन स्कूली बच्चे और उन्हें स्कूल पहुंचाने आए उनके घर वाले घायल हो गए। यूपी के मुरादाबाद में केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल के दफ्तर के अंदर खड़ी एक लड़की प्रिंसिपल को धमकाने लगी। इस लड़की ने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके भाई की बड़ी बेरहमी से पिटाई की, जिस पर बच्चे के परिवार वालों का गुस्सा फूट पड़ा और वो प्रिंसिपल के दफ्तर में जा धमके। मैं इजी नहीं लूंगी इस चीज को, चाहे सेंटर में कॉल करूं, मैं दिल्ली से लेकर बैठवा हर एक स्कूल में कॉल करूंगी। बच्चे की बेरहमी से पिटाई के मामले में लड़की लगातार प्रिंसिपल से सवाल पूछती रही, लेकिन आरोपी प्रिंसिपल एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आपने मेरे भाई को इतनी बुरी तरह से मारा, बताइए। बच्चों के घर वालों के मुताबिक उनका बच्चा गलती से फिजिक्स की किताब घर पर भूल गया था और केवल इतनी सी गलती पर प्रिंसिपल ने उसे बुरी तरह पीट दिया। आरोपी की पिटाई के बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बच्चे के परिवार ने जानकारी दी कि उनके बच्चे को एस्मा की बीमारी है और परिवार का दावा है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन अस्पताल से इलाज करवाने के बाद उसे स्कूल भेजा गया था। बच्चे के घर वालों को घटना के बारे में तब पता चला जब बदहवास हालत में घर पहुंचकर उसने सारी बात बताई और ये आरोप भी लगाया कि बेरहमी से पिटाई करने के बाद उसे पूरे दिन धूप में खड़ा रखा गया। प्रिंसिपल सर ने मुझे पूरे दिन बाहर बिठाया रखा। स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने प्रिंसिपल पर ये गंभीर आरोप भी लगाया कि वो आए दिन बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। प्रिंसिपल जो है बच्चों को टॉर्चर करते हैं, सबको टॉर्चर तो जी बिल्कुल करते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन बच्चे के घर वालों ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी। बच्चे के पिता ने दावा किया कि बच्चे की खराब तबीयत के बारे में स्कूल को पहले ही सूचना दी जा चुकी है, लेकिन आरोप है कि बच्चे की तबीयत को नजरअंदाज कर उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे आईसीयू में भर्ती करवाने की नौबत आ गई। प्रिंसिपल से बार बार बात कर रहा था, मैं सर मेरे बेटे की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है और इसे डांटना फटकारना नहीं है। पुलिस ने भरोसा दिया कि वो पीड़ित परिवार की शिकायत पर जल्द ही जरूरी कार्रवाई करेगी। मारपीट के आधार पर उन्होंने तहरीर दी है, तहरीर को संज्ञान में ले लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मामला सामने आने के बाद कुछ और बच्चों के माता पिता ने प्रिंसिपल पर मारपीट के आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 14 मई को ही होंगे। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव 14 मई को ही होंगे। यूपी के फैजाबाद में एक ट्रेनी पायलट की उड़ान के दौरान चॉपर हादसे का शिकार हो गया, लेकिन गनीमत यह रही कि पायलट बाल बाल बच गया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में एक यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रही सेना की एक पेट्रोलिंग टीम ने छात्रों के पत्थरबाजी करने के बाद हवाई फायरिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कठुआ गैंगरेप और हत्या केस के सही ट्रायल पर जोर दिया। बिहार के कटिहार में ट्रेन से गिरकर घायल हुई एक महिला और उसके 1.5 साल के एक बच्चे को दो लोगों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सोहेल महमूद पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पहुंचे। चुनाव आयोग ने भविष्य में चुनाव की चुनौतियों और हाल ही में आयोग की साख पर उठाए गए सवालों को लेकर 11 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों से सलाह करने के लिए 21 मई को दिल्ली में एक बैठक बुलाई। गलती से LOC पार कर जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर पहुंचे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रहने वाले एक लड़के को सेना ने पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप और हत्या के आरोपी की केस को ट्रांसफर न करने और जल्द सुनवाई की अपील पर विचार करने का भरोसा दिया।
पाकिस्तानी गायक और अभिनेता अली जफर ने गायिका मीशा शफी को कानूनी नोटिस भेजकर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के लिए माफी मांगने या 10 करोड़ रुपए के मानहानि के मुकदमे का सामना करने को कहा। महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव में अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का क्लाइमैक्स सीन शूट करते वक्त आग लगने से पूरा सेट जल गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल न्यूयॉर्क पहुंची दीपिका पादुकोण ने एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने अपने डिप्रेशन के बारे में बात की जिससे वो 2014 से जूझ रही थी।